मध्य प्रदेश के देवास जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर को पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 10 मोटरसाइकिल चोरी की जब्त की है। वहीं थाना प्रभारी दीपक यादव द्वारा बताया गया है कि नरेश पिता रामबाबू निवासी पीपल रावा को वाहन चेकिंग के दौरान रोका गया था और उससे बाइक के बारे में जब जानकारी पूछी तो वह जानकारी नहीं दे पाया। पुलिस ने चेसिस नंबर इंजन नंबर चेक किए तो घिसे हुए पाए गए और वह गाड़ी चोरी की निकली। वहीं पूछताछ करने पर उसने देवास उज्जैन इंदौर बड़नगर सहित अन्य जिलों में वारदात करना कबूली है। वहीं पुलिस ने उसके बताए स्थानों से चोरी किए गए 10 दो पहिया वाहन कुल मशरू का 4 लाख रुपए का बरामद किया है। वहीं आरोपी पर धारा 379 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। कल शाम को एक वाहन चेकिंग के दौरान एक आरोपी को चेसिस नंबर इंजन नंबर घिसी हुई गाड़ी के साथ में चेकिंग में पकड़ा था, जो गाड़ी के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया, जिससे पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वो कोतवाली थाना क्षेत्र में ही पूर्व 2 महीने पूर्व जो गाड़ी चोरी हुई थी वो गाड़ी के बारे में बताया कि सुधारी गाड़ी चोरी की गई थी। और तो उससे और अधिक पूछताछ करने पर उसके पास से और भी उसने जो देवास शहर में अलग अलग विभिन्न जगहों से देवास उज्जैन और इंदौर से चोरी की गई वाहनें जो उसने छुपा के रखी थी वो लगभग 10 गाड़ियाँ उससे बरामद हुई है। सर कहाँ का आरोपी है, कहाँ का रहने वाला है और क्या पहले भी किसी में अपराध दर्ज है? हाँ, ये आरोपी का नाम है नरेश पिता राम बाबू, उम्र 25 साल है, निवासी पीपल रमा का है, ये कंजर है और ये अकेला ही घूम कर जो बाजार थे उन बाजारों में जाकर बाइक चोरी करते वारदात करता था। सर कहीं बेची भी थी इन गाड़ियाँ? नहीं, अभी ये बेचने के इरादे से घूम रहा था और बेचने ही जा रहा था तब तक इसको पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की गाड़ी में पकड़ लिया था। इसने बताया कहाँ कहाँ से इसने गाड़ियाँ चोरी की है? हाँ, ये सभी एक छिपरा से गाड़ी चोरी की है, कुछ उज्जैन से गाड़ियाँ चोरी की है, कुछ देवास शहर के अन्य थानों से चोरी की है और भी इससे पूछताछ की जा रही है। कितने का कुल मशरू का करीब जब्त हुआ? लगभग ये 4 लाख का मशरू का जब्त हुआ है 10 गाड़ियों। अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई से? अभी इससे और पूछताछ की जा रही है, और भी अगर वाहन मिल जाते हैं तो और भी खुलासे करेंगे। ये धारा 379 में इसको वाहन के साथ जब्त किया गया। सर ये बता रहा है कि अकेला चोरी करता था कि इसके साथ में और भी लोग इसके साथ सहयोग करते थे? नहीं, ये अकेला ही घूम घूम के चोरी करता था और ये गाड़ियाँ लगभग 1.5 साल से चोरियाँ कर रहा है और ये गाड़ियों को बेचने के लिए दूसरे जगहों पर पीपल रवा या अन्य डेरों में जाके करता था कि वहाँ बिक जाए वहाँ पर। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।